जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग मलेरिया को पढ़ेंगे, ये जो कि एक है प्रोटोजोमल डिजीज। इसके पहले वाले वीडियो में हम हमेशा बताते हैं, जब भी आते हैं तो वीडियो बनाने से पहले बताते हैं कि आज के वीडियो में ये पढ़ेंगे, और ये भी बता देते हैं कि उसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बनाए थे, क्या बताए थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे वायरस से होने वाला डिजीज बता दिए, बैक्टीरिया से होने वाला और फंगल का भी बता दिए, और बच्चा है आपका प्रोटोजुआ से होने वाला। अब प्रोटोजुआ से होने वाला डिजीज में सबसे फेमस है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है सबसे फेमस डिजीज है, बहुत ही घातक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मलेरिया जो होता है आपका, आप सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो मलेरिया है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टाइप के। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक कोशिकीय, क्या चीज है ये, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय बैक्टीरिया टाइप का ही है। किस टाइप का है, बैक्टीरिया टाइप का है, बैक्टीरिया टाइप का ही क्या चीज़ है आपका होता है, मतलब यूनिसेलुलर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि इसका पैथोजन और वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे लिखे नहीं, हम अपने से लिखेंगे और बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एक भाई ने हमको कमेंट किए थे कि आप लिख कर बता देते हैं तो काफ़ी तेज़ बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं, तो थोड़ा अपने वॉइस को गते बोलिए, स्लोली बोलिए, तो इससे हमको अपना कोशिश करेंगे पूरा अच्छा से बताने के लिए, इसलिए हम लिखे नहीं हैं। देखिए इसका पैथोजन, तो पैथोजन कहने का मतलब कि इस रोग को जन्म कौन सा देता है, आखिर किसके वजह से होता है, उसको कहते हैं पैथोजन। मतलब समझ रहे हैं, केकरा वजह से हो रहा है, के इसको जन्म दे रहा है। मान लीजिए हमको बुखार लगा, तो हमको बुखार आखिर काहे लगा, कुछ कारण होगा, ठंडा पानी से नहाए होंगे, अब सब मतलब मौसम के चलते हो सकता है, ज़्यादा धूप में घूमे होंगे, इसका कारण होगा काहे, केकरा चलते, वही है कि केकरा चलते होगा उसको बोलते हैं पैथोजन। क्या चीज, केकरा चलते उसको बोलेंगे पैथोजन। अगर आपको पैथोजन मतलब निकालने में दिक्कत हो रहा है कि पैथोजन और वेक्टर किसको बोलेंगे, तब बोलिएगा कि केकरा चलते हो रहा है, केकरा चलते हो रहा है, वो क्या चीज़ हो गया, पैथोजन हो गया, और उसको के ढो रहा है, के ओकरा के लेके चल रहा है, वो क्या चीज़ हो जाएगा आपका वेक्टर। वेक्टर का हिंदी होता है वाक, वाक मतलब लेके ढोने वाला, क्या चीज़, लेकर ढोने वाला। तो इसका देखिए पैथोजन हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, क्या चीज, प्लाज्मोडियम नामक क्या चीज़ है आपका प्रोटोजोआ है, क्या चीज़ है प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखे हैं या हिंदी लिख दिया उसे दिक्कत नहीं है। प्लाज्मोडियम नामक क्या चीज़ है प्रोटोजोआ है, जो कि आपका क्या करते हैं, इसका पैथोजन है। अब वेक्टर, वेक्टर मतलब इसको ढोएगा कौन, जन्म दे दिया प्लाज्मोडियम, अब इसको ढोएगा क्या चीज़, मच्छर, उस मच्छर का नाम है फीमेल, फीमेल मतलब मादा, एनाफिलीज मच्छर, तो यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, हिंदी में ही लिख देते हैं मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर, क्या चीज़, मादा है ना फ्लीज मच्छर, इसको क्या करता है, ढोता है। अब देखिए मलेरिया का पढ़ लिए पैथोजन और वेक्टर, ये होता कैसे, इसका बचाव ट्रीटमेंट सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको कुछ इससे रिलेटेड जानकारी दे देते हैं कि ज़्यादा दिन तक आपके छत पर कूलर में चाहे कहीं भी पानी जहाँ जमा हो जाता है उसको साफ़ कर दीजिए, या फिर कहीं कराहा है, कराहा समझ रहे हैं जो पोखरा उसको बोलते हैं, उसमें अगर ज़्यादा दिन से पानी जमा है तो उसमें आप लोग नहीं नहाइए, क्योंकि फैलता कैसे है कि जो मच्छर है मादा है ना फ्लीज मच्छर है वो आपको क्या करेगा, काटेगा। इसका फिगर दे दिए हैं आप लोग देख लीजिएगा, जो है आपको काटेगा, तो काटेगा तो इसके लार में जो रहेगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो रहेगा इसके लार में, वो आपके ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड में जाने के बाद आपके आरबीसी को क्या करेगा, डैमेज करेगा, किसको करेगा, आरबीसी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। आरबीसी क्या है, ब्लड का सेल है, आरबीसी ब्लड का सेल है, जो कि ब्लड का तीन सेल होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी आपका क्या है, ब्लड का सेल है, इसका काम है ब्लड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब ब्लड के निर्माण में आरबीसी का मदद करना, क्या चीज़ करना, आरबीसी क्या करते हैं आपका खून बनता है उसमें, आरबीसी क्या करते हैं उसको मदद करता है खून को बनने में, फॉर्मेशन में क्या करते हैं,
मदद, तो आरबीसी को डैमेज करेगा तो आपके शरीर में खून बन नहीं पाएगा। आरबीसी जब डैमेज होगा तो खून बनेगा, खून नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा। और जब ब्लड नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में हो जाएगा खून की कमी, जब ब्लड नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में हो जाएगा खून की कमी, और उस खून की कमी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्या चीज़ कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाएगा उसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया। जब ब्लड के कमी हो जाएगा, ब्लड के यहाँ देखिए कमी के निशान दे दिए, डिक्रीज अमाउंट, तो कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो इसमें यही कहना है कि जो मलेरिया है यूनिसेलुलर होता है, इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम हो गया प्रोटोजोआ नाम के, इसका वेक्टर मादा एनाफिलीज मच्छर हो गया। ये मच्छर हमारे को काटेगा, लार्व इसके लार्व में होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, क्या करेगा प्रोटोजोआ जाके हमारे आरबीसी को डैमेज करेगा। आरबीसी का काम है खून को बनाना, क्या चीज़ काम है, खून को बनाना, खून के बनने में मदद करना। और जब आरबीसी डैमेज होने लगेगा तो खून बनेगा नहीं बनेगा, जब खून नहीं बनेगा तो खून की क्या हो जाएगा, कमी। जब नहीं बनेगा, माल तैयार नहीं होता, क्या होगा, खून का हो जाएगा कमी, और उस कमी को बोला जाता है एनीमिया। हमारे शरीर में जब भी किसी के शरीर में यदि खून की कमी है तो उसको बोला जाता है एनीमिया। अब ऐसा भी बता रहे हैं, अब इससे भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हो सके कि इससे भी हम अच्छा ट्राई करें बताने के लिए। देखिए अब इसका सिम्टम्स देख लीजिए, सिम्टम्स हो जाएगा आपका हाई फीवर। क्या चीज़ हो जाएगा, हाई फीवर। हाई फीवर कहने का मतलब तेज बुखार, पूरा तेज बुखार होगा, हेडक होगा आपका, बहुत ज़्यादा हेडक होगा। क्या चीज़ होगा, हेडक होगा, हेडक, हेडक मतलब सिर दर्द। यहाँ पे हिंदी से भी देख लीजिए, जो हिंदी से होंगे उनको समझने में दिक्कत होगा, तो सिर दर्द होगा, हाई फीवर होगा। आप देखिए इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए, ट्रीटमेंट में है क्लोरोक्विन और प्राइमोक्विन, ये आपका दवा है। क्या चीज़ है, दवा है जो कि मलेरिया में लिया जाता है, क्लोरोक्विन और प्राइमोक्विन। क्लोरोक्विन क्या चीज़ है, आपका दवा है, और प्राइमोक्विन भी क्या चीज़ है, आपका दवा है जो कि मलेरिया वाले पेशेंट को दिया जाता है।